D3 डांस एकेडमी के साथ। हम आ रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने। सिर्फ आइडिया पे। पहले तो विनाशकारी बाढ़ ने उनका सब कुछ छीन लिया, अब मुआवजे के तौर पर मिलने वाली धनराशि पर भी क्षेत्रीय लेखपाल नजरे गड़ाए हैं। लेखपाल अनुदान राशि के लिए उन्हीं किसानों के नाम सूची में दर्ज कर रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित आधी राशि देने को तैयार हो जा रहे हैं। रिश्वत का ये खुला खेल तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के छतौनी चिखड़ी में खेला जा रहा है। आप भी सुने उन बाढ़ पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी जिनसे लेखपाल द्वारा मुआवजे की आधी राशि मांगी जा रही है। आपका मैनेजर से क्या क्या दिक्कत है? आपका दिक्कत का हमारा बाढ़ का पैसा नहीं आया है, लेखपाल ने हमारा नहीं लगाया। अच्छा, कई बीघा जमीन है आपके? हमारे नाम 12 बीघा जमीन। अच्छा, लेखपाल का क्या कहना है? लेखपाल कहना है कि जो आधा पैसा देगा उसके नाम लगेगा, जो नहीं देगा उसके नाम नहीं लगेगा। अच्छा, आपके बाढ़ में फसल बह गई थी? हाँ, बाढ़ में हमारी फसल बह गई थी। अच्छा। हमारे पास गन्ना नहीं था। अच्छा, कुमार सिंह क्या क्या दिक्कत है आपका? दिक्कत यह है कि बूढ़ा का पैसा जो आया हमको नहीं मिला। अच्छा, हमारी खेती सब तराई में है। हाँ। लगभग 15 बीघा जमीन है हमारे दोनों भाई के पास। हाँ। एक पैसा नहीं मिला, हमने फार्म जमा किया, सब हाँ। कुछ किया। हाँ। लेकिन कमीशन नहीं दे पाए, हमारा पैसा नहीं आया। अच्छा, कमीशन के मतलब? मतलब पैसा मतलब आधा मांगते थे ना लेखपाल साहब। अच्छा, लेखपाल साहब आधा पैसा मांग रहे थे? हमारे पास पैसा है नहीं, हम कहाँ से दें? अच्छा, उसने धान छोड़कर पैरा भी हमको नहीं मिला, सर गया सर। अच्छा, 1 किलो धान नहीं हुआ। मतलब लेखपाल का ये कहना है कि आधा पैसा दोगे? हाँ, तब पैसा आपको मिलेगा। अच्छा जी, मैं आपका राम किशन। क्या समस्या है आपका? समस्या ये है, बूढ़ा हुआ 20 बीघा धान लगा रहा है, इसमें कुछ नहीं मिला, और जो खेती का पैसा बूढ़ा कर रहा हुआ तो लेखपाल लोग दलाल लगाए रहे हैं, तो पैसा हम लोगों को नहीं मिला, और जिनका गन्ना लग रहा है उनको मिला, धान का नहीं मिला। अच्छा, धान नहीं मिला? धान नहीं मिला, और जिनके गन्ना रहा उनका मिल गया। तो लेखपाल लोग पैसा भी मांगे थे का? लेखपाल लोग दलाल लगाए हैं, वो पैसा मांग रहे हैं ना। अच्छा, क्या आधा पैसा दो? आधा पैसा दो तो हम बनाएंगे। आपका? हमारा नाम राजकुमार सिंह है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमें इस चीज़ की है हाँ। कि जो खेती थी, खेती बह गई हाँ। जब बाढ़ आई तो खेती बह गई। अब ये बताते हैं कि तुम्हारा पैसा लगा है हाँ। लेकिन जब हम किसे कहते हैं आधा पैसा दो, तो मतलब हम उसको रिसीव करें। अब जब आधा पैसा हमें मालूम है कि नहीं, मतलब हमारे पास जब है नहीं, तो आधा पैसा हम कहाँ से ला करके दे दें? कौन मांग रहा है आधा पैसा? लेखपाल मांग रहे हैं। लेखपाल मांग रहे हैं? ये दलाली मतलब जैसे मौजे में बहुत बड़ी दलाली चल रही, जिन दलालों ने उनको लिस्ट बना करके दिया कि उनका पैसा आया है उन दलालों की लिस्ट का, बाकी पैसा ही नहीं मौजे में। हमारा नाम सर कमल सिंह है। हमारे 10-12 बीघा जमीन है और पूरी धान की खेती हमारी बह गई। लेखपाल के पास हम फार्म जमा किया तो लेखपाल हमने देखा कि हमारा लिस्ट में नाम भी नहीं आया और हमारा एक पैसा भी नहीं चढ़ाया, और जिनके पास गन्ने की खेती थी लगभग ज़्यादातर उनके खाते पर पैसा आधा सखरवा करके लेखपाल ने भेजा है। हम लोगों से पैसा मांगा तो हम लोग गरीब आदमी आधा पैसा देने से इनकार कर दिया, तो हम लोगों के खाते में एक भी पैसा नहीं डाला गया। हुजूर से निवेदन है कि हमारी गुहार की सुनवाई की जाए। जगत नारायण संतराम, कालिका पेशकार राम जीवन, आमिर हसन, शिवकुमार बड़की, राजरानी मलखान सहित तमाम ग्रामीण जो मुआवजा राशि पाने के लिए वंचित हैं, उन बाढ़ पीड़ितों ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी महमूदाबाद को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है, परंतु अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। ये तब है जब दर्जनों ग्रामीण एक स्वर में शोर मचाकर ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ का लेखपाल घूसखोर है, पैसा लेकर काम करता है, एक भी सर्वे करने नहीं आता है। उधर क्षेत्रीय लेखपाल अनिरुद्ध वर्मा ने इस बाबत आइंडिया को बताया कि 465 फार्म मिले हैं जिनका पैसा लगाया जा रहा है, जो लोग रह गए हैं
उनको भी धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत मिलेगा। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी महमूदाबाद दिव्या ओझा ने इंडिया को बताया कि उन्हें कोई ऐसा शिकायती पत्र नहीं मिला है। बाढ़ पीड़ित हमारे कार्यालय आए, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। नए साल का जश्न हमारे और इस दिल में क्या रखा है आइडिया कितना सोना रब ने बनाया दिल कर देखता रहा कितना सोना।